मैं पूजा में नहीं बैठ सकती पिंकी माँ, लेकिन इससे पहले कि आप मुझ पर ये झूठा आरोप लगाए, मैंने सोचा मैं खुद ही मान लेती हूँ। मैं तुम पर झूठा आरोप क्यों लगाऊंगी? उस नीरजा की वजह से। पिंकी माँ, मुनमुन ने डाला अबीर के लिए हो रही पूजा में विघ्न। पिंकी माँ का फूटा नीरजा के ऊपर गुस्सा। कलर्स टीवी शो नीरजा के अपकमिंग एपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा, जैसा कि पिंकी माँ अबीर की भलाई के लिए घर में एक पूजा रख रही है, जहाँ पर मुनमुन, पिंकी माँ और अबीर की माँ का उपवास होकर बैठना जरूरी है। लेकिन इस पूजा में विघ्न डालने के लिए मुनमुन ने पहले ही खाना खा लिया था और इस बात को नीरजा ने देख लिया है। इससे पहले कि नीरजा आकर मुनमुन के सच का खुलासा करे, मुनमुन खुद ही आ जाती है पिंकी माँ के सामने और बाजी को पलट देती है। मुनमुन ये कहती है कि नीरजा उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है खाना खाने का। नीरजा भी अपनी सफाई देती है पिंकी माँ के सामने और पिंकी माँ को नीरजा ये बताती है कि मैंने खुद अपने आंखों से देखा था कि मुनमुन समोसे खा रही थी। लेकिन पिंकी माँ को नीरजा पर भरोसा नहीं होता। तभी पंडित जी ये बोलते हैं कि अगर किसी ने खाना खा लिया है तो ये पूजा नहीं हो सकता। इस पूजा के लिए तीन महिलाओं का उपवास बैठना काफी ज्यादा जरूरी था। तो क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।